So the next shorting is hip short. So now generally ये binary tree के साथ work करता है. What is binary tree? So binary in the sense what? Binary मतलब जिसके पास दो child है. Otherwise जहाँ पे base 2 है, that is known as binary. जिसका भी base 2 हो उसको हम binary बोलते हैं. जैसे binary number system, binary search divided by 2 के हिसाब से हम काम करते हैं. तो यहाँ पे बाइनरी ट्री मतलब क्या? ट्री इन द सेंस पेरेंट चाइल्ड पैटर्न में अगर आपका डेटा अरेंज है, देखो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो वन मोर स्ट्रक्चर, वन मोर फॉर्मेट इज पेरेंट चाइल्ड. वन मोर स्ट्रक्चर, वन मोर फॉर्मेट इज नथिंग बट ए पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर, पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट. सो वॉट इज योर रिक्वायरमेंट? बाइनरी ट्री का मतलब आपका डेटा कोई एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज है, दैट इज एक्चुअली नोन एज बाइनरी ट्री. वो पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो मान लो मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, लेट अस जस्ट ऐड सम डेटा 10 20 64 12 45 78 98 and 44 35 and let us say 800. So total 10 elements I have. ओके, अब मुझे इसको पेरेंट चाइल्ड पैटर्न में अरेंज करना है. सो व्हाट वी विल डू, इसका अगर आप ट्री बनाना चाहते हो, इसका अगर आप ट्री डेवलप करना चाहते हो, देन व्हाट इज लाइक व्हाट्स योर फर्स्ट एलिमेंट? माय फर्स्ट एलिमेंट इज एक्चुअली 10. सो 10 विल बी द रूट, रूट इन द सेंस पेरेंट. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? दैट इज 20. अब मुझे बाइनरी पैटर्न में जाना है. सो बाइनरी मतलब एक पेरेंट के पास दो चाइल्ड हो, तो उसका लेफ्ट आएगा 20. सेकेंड चाइल्ड विल बी द राइट चाइल्ड, सो दैट विल बी नेक्स्ट एलिमेंट. सो सीक्वेंस में जाते जाइए. सो नेक्स्ट इज 24, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 12. अब देखो 10 का लेफ्ट एंड राइट दोनों पैक हो चुका है. 10 इज अ रूट, उसका लेफ्ट 20, उसका राइट 54, वो पैक हो चुका है. सो हमको कहाँ पे जाना है? द नेक्स्ट एलिमेंट इज 12. तो एक लेवल इंक्रीज कर दीजिए. सो लाइक जो अपना मेन रूट है, दैट इज एक्चुअली ऑन लेवल नंबर 0, this is on level number 1. एक लेवल इंक्रीज करें, that means what? चाइल्ड के चाइल्ड में एंटर करिए. आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट इज 45, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट इज 12. तो वो चाइल्ड के चाइल्ड में जाएगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 45. तो चाइल्ड के लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड के राइट चाइल्ड में 45 स्टोर होगा. नेक्स्ट इज नथिंग बट 78. यस, ये 20 उस तरफ नहीं आएगा, राइट साइड में. क्यों राइट साइड में? क्यों 10 से बड़ा है तो देख, वो बाइनरी सर्च ट्री है. मैं नॉर्मल बाइनरी ट्री पे काम कर रहा हूँ, वो बाइनरी सर्च ट्री बोल रहा हूँ. मतलब लेफ्ट में छोटू, राइट में बड़ू वाला. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ. नाउ 78 के बाद नेक्स्ट वन क्या आएगा? 98. सो 98 विल बी राइट, देन 44. सो 44 विल बी द लेफ्ट, देन 35. ओके, एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट 800. सो इस तरीके से मेरे पास कुछ लेता है, हम उनको कनेक्ट कर देते हैं. So this is the tree pattern. Okay guys, so this is the tree. Now this is the like parent. Okay, so ye parent actually 20 or 64. 20 is a parent of 12 and 45, 12 is a parent of 44 and 35. So aap aisa maan lijiye, this is my array. Mujhe inko short karna tha, mujhe inko arrange karna tha ascending ya descending order mein. So what I'm using, actually maine hip short mujhe agar use karna to pehle jo mera array tha usko main tree pattern mein store karunga. इसको मैं ट्री पैटर्न में स्टोर करूंगा. बट ऑब्वियस आई हैव एन एरे. ओके, तो इसका इंडेक्स वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होगा, एंड द इंडेक्स वैल्यू इज 0. ओके, 10 का इंडेक्स वैल्यू 0, 20 का इंडेक्स वैल्यू 1, 54 का इंडेक्स वैल्यू 2. ओके, आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास ट्री था और उसको मैं एक्चुअली लाइक एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ इंडेक्स वैल्यू मिलेगी. और यू कैन से दैट मेरे पास ट्री था और उसको मैं एरे में स्टोर करके, मतलब लाइक वाइस इन वर्सा, अगर एरे था तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने ट्री में कन्वर्ट किया.
राइट नाउ हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारे पास एरे था, हम इसको ट्री में कन्वर्ट करके शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, बिकॉज हिप शॉर्ट एक्चुअली ट्री का शॉर्टिंग है, हिप शॉर्ट ट्री का शॉर्टिंग है। तो मैंने सबका इंडेक्स वैल्यू सेट कर दिया, इज दिस क्लियर? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हम लोग को कुछ काम नहीं करना है, ओके? हम लोग को कुछ वर्क नहीं करना है। व्हाट वी विल डू, हम लोग सिर्फ एरे ही मान के चलेंगे, बट समझने के लिए उसको ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इट फाइन? सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हम लोग कोई ट्री वगैरह प्रोग्रामिंग में डेवलप नहीं करेंगे, बट इसको लर्न करने के पर्पज से हमने ट्री मान के चला, बिकॉज हिप शॉर्ट एक्चुअली बाइनरी ट्री शॉर्टिंग है। ओके, हिप शॉर्ट बाइनरी ट्री शॉर्टिंग के हिसाब से वर्क करता है, राइट? इज इट फाइन? यस। सो नाउ ओवर नेक्स्ट टास्क इज, हम लोग का यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। नाउ ओवर नेक्स्ट टास्क इज, मतलब जैसे हमने एरे इनपुट किया, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे कि देयर इज अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एरे। जैसे हमने एरे स्कैन किया, एरे इनिशियलाइज किया और स्कैन किया, वी विल एज्यूम दैट देयर इज अ ट्री लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ अवर एरे इज देयर। ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? हिप शॉर्ट में काम क्या करना है? सो एक्चुअली इन हिप शॉर्ट यू हैव टू बी लाइक, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो अपने डेटा को अरेंज, या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो, फॉर दैट फर्स्टली आपको मैक्स हिप और मिन हिप क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक आई से, मैक्स हिप या मुझे मिन हिप क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इफ यू वांट टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइदर क्रिएट ए मैक्स हिप और यू हैव टू क्रिएट अ मिन हिप। अब हमको पता कैसे चलेगा कि मुझे मैक्स हिप बनाना है या मिन हिप बनाना है? ओके, मुझे पता कैसे चलेगा? उसको आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो, देन आपको मिन हिप करना है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मिन हिप, असेंडिंग ऑर्डर फॉर मैक्स हिप। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हो तो मैक्स हिप, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो तो मिन हिप। ओके, सो दैट्स अप टू यू। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन से ऑर्डर में जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आपको क्या चाहिए? अब मुझे मेरे डेटा को एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना था, मुझे अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना था, सो व्हाट आई विल डू, मैं मैक्स हिप में जाऊंगा। सो फर्स्टली वी हैव टू लर्न व्हाट इज मैक्स, व्हाट इज मिन हिप। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैक्स हिप क्या है और मिन हिप क्या है। मैं एक और बार रिपीट करूंगा, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली ऐसा मान के चलिए कि हम लोग के पास एरे अवेलेबल है, सो आइदर वी विल इनिशियलाइज द एरे और वी विल लाइक गेट द एरे फ्रॉम दिस। ओके, आइदर हम इनिशियलाइज करेंगे और हम लोग गेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग हम लोग को क्या चाहिए? उसका ट्री रिप्रेजेंटेशन। ओके, मुझे उसका ट्री रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ट्री रिप्रेजेंटेशन हम करने नहीं वाले, वी विल अज्यूम कि उसका ट्री रिप्रेजेंटेशन है। ओके, वी विल अज्यूम कि इसका ट्री रिप्रेजेंटेशन अपने पास अवेलेबल है। सो दिस इज डन, दिस पार्ट इज बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? उसके बाद का हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा? अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा या हम लोग को फाइनल करना पड़ेगा, डू वी रिक्वायर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपना डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग किसमें शॉर्ट करना चाहते हो? तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप अपना डेटा अरेंज करना चाहते हो, देन सबसे पहला इंटरमीडिएट स्टेप आपको अपने डेटा का, अपने ट्री का, ये हमने मान के चला था कि मेरा डेटा ऑलरेडी ट्री फॉर्मेट में है, मुझे उसको मैक्स हिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैक्स हिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो। बट अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो मुझे मिन हिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट फाइन? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स हिप? सो मीनिंग ऑफ मैक्स हिप इज पेरेंट हैविंग एन हायर वैल्यू कंपेयर टू चाइल्ड, पेरेंट हैविंग हायर वैल्यू, ओके, अदरवाइज यू कैन से दैट ग्रेटर वैल्यू और हायर वैल्यू। Compared to child value, okay, parents having a higher value compared to child value, that is a metric. What about mean hip? Mean hip का मतलब क्या होगा? Parent में small value होगी compared to child, okay, compared to child, parent के पास अगर छोटी value है, lower value है, then that is mean hip. But this is metric. Metric में मुझे क्या करना था? Metric का मतलब parent having a higher value. मैं repeat कर रहा हूँ, data था, pre representation assume किया, अब सोचिए ascending में चाहिए, descending में मुझे ascending चाहिए था, then convert the tree in metric. Convert your tree in maxis. So what is the next requirement? How to convert this tree in a maxis?
तो अपने ट्री को मैक्स हिट में कन्वर्ट कैसे करें? तो लेट ए रफ समथिंग फ्रॉम हियर 1 मिनट जस्ट ओके फाइन. So now up to this everything is fine. So what is my next requirement? My next requirement is okay. यहाँ पे D था okay. So that is child. Now what is my next requirement? मुझे अपने tree को max width में convert करना है. Then guys, आपको एक ऐसा child find out करना पड़ेगा जिसके पास leaf node available. Now another question is what is leaf node? Leaf node मतलब terminated node. ओके लिफ नोड मीन्स टर्मिनेटेड नोड जिसका कोई फर्दर चाइल्ड ना हो. लिफ नोड मीन्स अ टर्मिनेटेड नोड जिसके पास कोई भी चाइल्ड नोड ना हो. नोड मीन्स व्हाट? नोड मीन्स नोड नोड मीन्स ये जो डेटा है दैट इज एक्चुअली यू कैन कंसीडर दैट इज नोड. नोड का मीनिंग आपको लिंक लिस्ट में सही से पता चला था कि नोड मतलब इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें इंफॉर्मेशन पार्ट और उसके पास एड्रेस पोर्शन होगा दैट इज नोड. ओके तो मुझे ये बताइए इसमें लिफ नोड कौन है? इसमें लिफ नोड कौन है? अपने पूरे ट्री में लिफ नोड कौन है? यस एनीवन 45 35 800 ये तीनों. दिस वन दिस वन दिस वन. ओके गाइस ये भी लिफ नोड है. देखिए यस 78 and 98 ओके तो मेरे पास पांच लिफ नोड है. उसमें से सबसे लास्ट वाला लिफ नोड मतलब जिसका इंडेक्स सबसे ज्यादा हो दैट मीन 800. ओके उसके पेरेंट्स से मैं काम का स्टार्ट करूंगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले लिफ नोड से वर्क करना था. उसमें सबसे ज्यादा इंडेक्स जिसका है उसके लिफ नोड से मैं वर्क स्टार्ट करूंगा. सो आई विल स्टार्ट विद 800. व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट राइट नाउ? मुझे अपने ट्री का मैक्स हिट क्रिएट करना है. मुझे अपने ट्री का मैक्स हिट क्रिएट करना है. मैक्स हिट का रूल था पेरेंट के पास हायर वैल्यू होगी, पेरेंट के पास लार्जर वैल्यू होगी. सो गाइस राइट नाउ मेरे पास मैं एक ऐसा ट्री ऐसा सब ट्री चेक कर रहा हूँ जिसके पास एक लिफ नोड है. एक ऐसा नोड सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके पास लिफ नोड है. देखो लिफ नोड मतलब 800 इज अ लिफ नोड बट उसका पेरेंट चेक करें उसका पेरेंट कौन है 45. तो मैंने एक ऐसा लिफ नोड लिया हैविंग द हायर इंडेक्स वैल्यू और उसके पेरेंट को भी मैं कवर कर रहा हूँ. सो मुझे अभी फोकस करना था 45 एंड 800. ये ट्री है. ओके दिस इज ऑल्सो ए ट्री बट दिस इज एक्चुअली सब ट्री. इतना सा पोर्शन कवर कर हम सिर्फ इतना सा पोर्शन दे जस्ट इतने से पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं. नॉट दिस वन यहाँ से ऐसा इतने से पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं. इज क्लियर? अब पहले मैं इसको मैक्स हिट में कन्वर्ट करता हूँ. तो मैक्स हिट का मतलब क्या था? पेरेंट के पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए. तो बस इसमें आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए. हियर इट विल बी 800 एंड हियर इट विल बी 45. ओके यहाँ पे 800 और यहाँ 45. मैंने क्या किया? 45 कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे था गाइस? 4 पे. व्हाट अबाउट 800? इट इज ऑन इंडेक्स नंबर 9. मैंने सिर्फ उनका स्ट्रेटिंग किया कि अगर चाइल्ड के पास अब कौन चाइल्ड कौन पेरेंट वो सब लॉजिकली समझेंगे. सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए अभी. तो यहाँ पे पेरेंट कौन है 45, चाइल्ड कौन है 800. 45 इज द पेरेंट, 800 इज द चाइल्ड. व्हाट आई डिड इफ पेरेंट हैविंग अ लोअर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू चाइल्ड. मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना था मतलब मुझे मेरे ट्री का मैक्स हिट चाहिए. मैक्स हिट चाहिए मतलब पेरेंट के पास बड़ा वैल्यू होना चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड. सो मैंने चाइल्ड और पेरेंट के वैल्यू कंपेयर किए एंड देन व्हाट आई डिड मैंने दोनों का स्वैपिंग करके पेरेंट में मैक्स वैल्यू. दैट इज माई फर्स्ट स्टेप. सो लेट मी जस्ट डू दिस. हम लोग ऐसा कुछ काम कर देते हैं. सो व्हाट यू विल डू यहाँ पे मुझे क्या लगेगा? यहाँ पे 800 और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? हियर वी मस्ट हैव 45. बट अब ये हम लोग इसका कोड बाद में देखेंगे. राइट नाउ जस्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे 800 एंड हियर वी विल हैव 45. सो आई होप दिस इज क्लियर. हियर वी हैव 800, हियर वी हैव 45. इज दिस फाइन? मैं उसके एक इंडेक्स प्रीवियस चले मतलब इस तरफ चले. हमने इंडेक्स वैल्यू 9 से स्टार्ट किया था. नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टार्ट? हम इंडेक्स वैल्यू 8 पे चलते हैं. बट नाउ गाइस अगर आप देखिए 8 वाला जो इंडेक्स वैल्यू है उसका पेरेंट और 7 का पेरेंट, 7 की इंडेक्स वैल्यू का पेरेंट चाहिए. 8 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है और 7th इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है उन दोनों के पेरेंट्स के लिए भी सही है. सो मैं ऐसा नहीं करूंगा.
पहले 12 और 35 का कंपेयर करो, और 35 को पोजीशन नंबर 3 पे सेट करे, बताए इंडेक्स नंबर 3 पे सेट करे, देन 45 और 35, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि हमारे पास 12 है, हियर आई हैव 44, हियर आई हैव 35, मैं सबसे पहले 35 और 12 का इंटरचेंज करूँ, पहले 35 यहाँ पे लाऊँ, 12 यहाँ पे रखूँ, देन 35 यहाँ आने के बाद, 35 यहाँ आने के बाद मैं उसका कंपेरिजन एक्चुअली 44 के साथ करूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों चाइल्ड में से मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ चाहिए था, मेरे पास हम लोग मैक्सिस करना चाहते हैं, मैक्सिस का रूल क्या था, मैक्सिस का रूल है पेरेंट के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब बेस पेरेंट के पास मैक्स वैल्यू होनी चाहिए, दोनों चाइल्ड से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम दो दो बार कंपेरिजन नहीं करना चाहते, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या काम काज करेंगे, दो बार कंपेरिजन नहीं करना है तो क्या काम कर सकते हैं, ड्रॉ दिस, सो हियर आई हैव 12, 1 मिनट, हाँ हियर आई हैव 12, लेफ्ट चाइल्ड इज 44 एंड राइट चाइल्ड इज 35, व्हाट वी विल डू, पहले मैं दोनों चाइल्ड को कंपेयर करूंगा, दोनों चाइल्ड में से बड़ा वैल्यू किसका है, 44, सो उसके इंडेक्स वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, उसका इंडेक्स वैल्यू मतलब 7, जो भी बड़ा वैल्यू है उसके इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करेंगे, सो लाइक मैक्स एलिमेंट हैविंग एन इंडेक्स ऑफ 7, नाउ व्हाट वी विल डू, उसको पेरेंट के साथ इंटरचेंज करेंगे, उसको पेरेंट के साथ इंटरचेंज करेंगे, सो मेरा नेक्स्ट इसका कन्वर्ट करे, इसको मैक्स इसमें कन्वर्ट करे, सो मेरा ट्री क्या बनेगा, कैन यू प्लीज टेल मी इसका ट्री क्या बनने वाला है, हियर आई विल हैव 44, ओके, और उसका लेफ्ट के साथ मैंने, मतलब पेरेंट और लेफ्ट चाइल्ड के साथ मैंने स्वैपिंग हुआ था, सो हियर आई विल हैव 34, ओके, सो फाइनली मेरे पास ट्री कुछ ऐसे बनने वाला है, लाइक हियर वी विल हैव 12 एंड हियर वी विल हैव 44, इज दिस क्लियर गाइस, यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क गाइस, सो हियर वी विल हैव 44 एंड हियर वी विल हैव 12, यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, सो नाउ एक इंडेक्स के लिए और कम कर देते हैं, मतलब देखो अब मुझे चाइल्ड के इंडेक्स पे काम नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली इसके पेरेंट के इंडेक्स पे काम कर रहा था, मतलब मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया, मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया पोजिशन नंबर 4 से, पहले पोजीशन 4 पे गया उसका चाइल्ड निकाला, देन पोजीशन 3 पे गए, पोजीशन 3 पे गए उसका चाइल्ड निकाला, उसके दो चाइल्ड थे, तो पहले दोनों चाइल्ड को कंपेयर किया, जिसका भी वैल्यू अपने रूट के वैल्यू पेरेंट के वैल्यू से ज्यादा था, जिसका भी वैल्यू पेरेंट या रूट के वैल्यू से ज्यादा था उसको और पेरेंट को रिप्लेस कर दिया, मैंने इंटरचेंज कर दिया, लेट आई रिपीट, आई स्टार्ट माई लूप विथ 4, लूप क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सेम टास्क रिपीट करना है, सो मैं लूप लिखने वाला हूँ, तो मैंने इंडेक्स नंबर 4 से मेरा टास्क स्टार्ट किया, ओके, आफ्टर दैट मैं इंडेक्स नंबर 3 पे गया, नाउ 2 देन 1 देन 0 माय कंपैरिजन इज डन, बट कोई भी एक इंडेक्स लिया तो पहले उसके चाइल्ड निकाला, कोई भी एक इंडेक्स लेने के बाद फर्स्ट उसके चाइल्ड फाइंड आउट किए, ओके, सो यहां मेरे पास दो चाइल्ड थे, हियर आई हैव एक्चुअली 7, ऑन द 7th इंडेक्स वैल्यू आई हैव 4 44 और ओवर हियर आई हैव 35, पहले उन दोनों को कंपेयर किया, जिसका भी वैल्यू ज्यादा था उसको पेरेंट के साथ इंटरचेंज किया, सो व्हाट हैपेंड, नाउ दिस ट्री इज राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिस, ये ट्री मैक्सिस के फॉर्म में है एंड दिस ट्री इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिस, ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग कौन सी पोजिशन पे थे, वी आर एट द पोजिशन नंबर 3, ओके, नाउ लेट मी जस्ट डिक्रेज द इंडेक्स एंड हम लोग आ जाते हैं 2 पे, हम लोग आ जाते हैं 2 पे, सो व्हाट वी हैव टू डू, 2 मतलब इंडेक्स वैल्यू, 2 मतलब एलिमेंट नंबर 34, उसके चाइल्ड फाइंड आउट करें, उसके चाइल्ड फाइंड आउट करें, उसका पहला चाइल्ड है हमारे पास 78, व्हाट इज द सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड इज एक्चुअली 90, सो 54 एंड हियर आई हैव फर्स्ट चाइल्ड दैट इज 78, सेकंड चाइल्ड इज नथिंग बट 90, सो मुझे तीन चाइल्ड मिल गए, व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, मुझे अब सबसे पहला काम काज क्या करना है, दो चाइल्ड मिल गए ना, व्हाट इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अगर दो चाइल्ड अवेलेबल है तो पहले चाइल्ड को कंपेयर करें, पहले चाइल्ड को कंपेयर करें तो मेरे पास 78 एंड 98, तो पहले कौन सबसे बड़ा कौन है गाइस, मतलब इज 98 हैविंग इन हायर वैल्यू कंपेयर टू 78, सो अब 98 एंड 54 को स्वैप कर दीजिए, 98 एंड 54 को स्वैप कर दीजिए, सो 54 विल बी ऑन राइट हैंड साइड, 98 विल बी राइट, ओके, सो इस तरीके से मुझे कुछ ट्री मिलेगा, यश महर्षि हैज, इज इट क्लियर गोपाल, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हियर वी विल हैव 54 एंड हियर वी विल हैव 98, मेक इज इट फाइन,
यस सर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू वो कहाँ पहुंच जाएगा, नाउ इट विल बी एट 1, इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाएगा। तो 1 पे कौन अवेलेबल है गाइस, सो ऑन इंडेक्स वैल्यू 1 आई हैव 20। व्हाट आर द चाइल्ड वैल्यू सर, चाइल्ड वैल्यू आर 44 एंड 8। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे 20, देन हियर आई हैव 44 एंड हियर आई हैव 8। इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा है, ओके, इस तरीके से मेरे पास कुछ एलिमेंट है। Now what we will do, पहले हम चाइल्ड को कंपेयर करेंगे, same trick we will apply, so 800 having an higher value compared to 20, so इसको max hit में convert करना हो, then 800 will be the root, 800 will be the root, 400 will be the left child as it is जो पहले था, and 20 will be the right child, so this will be the best hit, ये max hit है, okay, but now guys, do you realize, अगर ये 800 की जगह पे 20 आ जाता है, so 20 is a parent of, it's a parent of 45. 20 is a parent of 45, but you can just say it's a 20 is not an higher than the 45. So 45 bada hai, so hum log aisa bol sakte hain agar parent mein choti value hai, that means it's not a maxif. So ye wala tree 20 aur 45 wala jo sub tree tha, ab wo maxif ka rule break kar raha hai, ab wo maxif ka rule break kar raha hai, so hum log ko kya karna chahiye, agar aap swapping karo, अगर आप स्वेपिंग करो तो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक कि उसका कोई चाइल्ड अवेलेबल है क्या, उसका कोई चाइल्ड अवेलेबल है क्या। इफ इट इज अवेलेबल, इफ इट इज अवेलेबल, जैसे यहाँ मेरे पास 20 इश पहले तो कैसा लाइक 800 का चाइल्ड अवेलेबल था, मे बी इट इज लेफ्ट, मे बी इट इज राइट, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर चाइल्ड अवेलेबल है, अगर चाइल्ड अवेलेबल है और अगर आप 800 और 20 का स्वेपिंग कर देते हो, देन वंस अगेन इन दोनों में कंपेरिजन करवानी पड़ेगी मैक्सिस के लिए, मतलब सेम रूल 20 के अगर दो चाइल्ड है, राइट नाउ जो 20 की पोजीशन है, राइट नाउ 20 इज ऑन पोजीशन नंबर 4, तो 4 क्यों बोला, बिकॉज दिस इज ऑन 1, पहले ये 1 पे था, ओके, दिस गाय वाज ऑन 4, सो नाउ दिस इज ऑन 1, 800 इज ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड 20 इज ऑन अ फोर्थ नंबर पोजीशन, ओके, 20 इज ऑन अ फोर्थ नंबर ऑफ पोजीशन। सो अगर आप स्वैपिंग करते हो, ओके, अब 20 मतलब चाइल्ड नंबर 4 उसके चाइल्ड, मतलब जो भी रूट नंबर 4 उसके चाइल्ड देखे, then only single child is available, that is 45. Only single child is available, that is 45. So मुझे directly parent and child का compare करना है, because maxif का rule था root में maximum element होना चाहिए, root में max element होना चाहिए, ये हमारा rule था, है ना? So what we will do next, अब हम लोग आगे एक step और further आगे बढ़ाएंगे, इसमें से एक step और आगे बढ़ेगा, what will be the next step? Yes anyone, next step क्या होगा? 800 will be the root, yes 800 will be the root, इसको कोई touch नहीं करेगा, that will be untouched. 44 will be the left child, 45 will be the right child, and 20 will become the left of the, 20 will become the left of the 45. Is it clear? 20 will become the left of the 45. So my tree will be looked at. अब देखिए ये पूरा ट्री अगर मैं कंसिडर करूँ, ये पूरा पोर्शन जो कंसिडर करूँ, तो 800 का लेफ्ट 800 से छोटा है, 800 में लाइफ में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो सब कंपेयर टू 800 स्मॉल है। So now I can say that 800 is like 800 and the childs of the 800 follows the max hip rule, follows the max hip rules they just follow. Okay, so now what is the next thing? हम लोग यहाँ थोड़ा changes कर देते हैं। सबसे पहले हमने 20 यहाँ लाया था and 800 is over here. यहाँ पे हम लोग 800 लाए। Then after that we realize 20 and 45 का comparison किया तो हमको realize हुआ 45 यहाँ नहीं आएगा, 20 will not be over here. Is it clear guys? So 45 यहाँ होगा and 20 will be the left of this 45. तो अभी हमने index number 1 के लिए काम कर लिया, now let's move to the index number 0. So what you can say, index number 0 पे कौन? Yes guys? 10? So what we will do, first step will be 10. उसका लेफ्ट है मेरे पास 800, राइट इज एक्चुअली 98. सो व्हाट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट? पहले चाइल्ड को कंपेयर करें, चाइल्ड में कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास, वी हैव 800 इन 98, दोनों में से लोएस्ट वैल्यू किसकी है, बट ऑफ सॉरी दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू भी बट ऑफ 800, तो 800 और 10 का स्वैपिंग करते, तो 800 विल बी ओवर हियर, 10 will be the left of the 800, right for some research in India, 98 will be as it is. Okay, 98 will be as it is. Up to this, I hope koi problem nahi hai. Okay, now what is the next step?
अब क्या करें सर, 10 के लेफ्ट में कोई है, 10 के राइट में कोई है, 10 के लेफ्ट में कोई है, 10 के राइट में कोई नहीं है, तो 10 के लेफ्ट में कौन है सर? 45. 10 के राइट में कौन है? 45. दैट मीन्स दिस इज नॉट ए हिप नॉट, सर दिस इज नॉट ए हिप शॉट. हिप शॉट का मतलब क्या था? पेरेंट में ऑलवेज चाइल्ड के कंपेरिजन में बड़ा वैल्यू होना चाहिए. तो जस्ट चेक 10 एंड लेफ्ट में 44, राइट में 45. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू गाइस, हमको 44 45 को कंपेयर करना है. जिस बंदे का भी वैल्यू ज्यादा है उसको, मतलब लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को कंपेयर करना है. जिसके पास पावर है इट विल बिकम ए रूट. ओके, इट विल बिकम ए रूट. सो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? अब मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 10, उसके बाद लेफ्ट में, सॉरी यहाँ पे 800, लेफ्ट में क्या होगा हमारे पास? इन द लेफ्ट ऑफ द 800 देयर इज अ 45, इन द राइट ऑफ द लाइक 45 देयर इज अ 98. अब 45 के लेफ्ट में जाएगा 44 एंड यहाँ पे जाएगा 10. ओके, सो दैट विल बी द नेक्स्ट. बट नाउ आफ्टर दैट वंस अगेन वी रियलाइज, ओ सर अभी भी 10 के राइट में कोई है या 10 के लेफ्ट में कोई है? कहीं ना कुछ तो पढ़ाया अपने पास. ओके, 10 के लेफ्ट में कुछ है सर, व्हाट इज द लेफ्ट? तो दैट 45 का लेफ्ट देखिए, 45 के लेफ्ट में 20 था, तो राइट में यहाँ पे मेरे पास 20 है. सो अब पेरेंट के पास कंपेयर टू चाइल्ड लार्जर वैल्यू होनी चाहिए. सो हम 10 और 20 को कंपेयर करेंगे टू चाइल्ड हैविंग ए लार्ज वैल्यू. ओके, चाइल्ड हैविंग ए लार्ज वैल्यू, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना चाहिए? चाइल्ड के पास अगर लार्ज वैल्यू है तो क्या करें? सो लाइक चाइल्ड और पेरेंट का सेटिंग, सो हियर आई विल हैव 800, लेफ्ट चाइल्ड विल बी 45, राइट चाइल्ड विल बी 98. ओके, 45 का लेफ्ट, 45 का लेफ्ट 44 एंड 45 का राइट 20 एंड 20 का लेफ्ट 10, 20 का लेफ्ट 10. ओके, नाउ इट इज अ मैट्रिक्स. ओके, नाउ इट इज अ मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स क्यों बोला मैंने इसको? बिकॉज पेरेंट की वैल्यू ऑलवेज चाइल्ड से बड़ी है, दैट मीन्स मैट्रिक्स. पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी है, दैट इज मैट्रिक्स. मेन है मतलब चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से बड़ा है. सो चेंजेस देख लेते हैं जो जो करने थे. तो पहले तो हमने 800 और 20 को सेट किया, तो हियर आई विल हैव 10 और हियर आई विल हैव 800. ओके, सो यहाँ पे 10 आ गया था. एंड 10 आने के बाद लगा, ओ सर 10 देन 45, 40 लेफ्ट, 45, 40 44, उनमें एक्चुअली हिप शॉट फॉलो नहीं हो रहा था. मैंने यहाँ 45 कर दिया. ओके, एंड 10 की जगह 45, 10 को रख दिया कौन सी जगह पे? रखा राइट, 10 को हमने रखा 45 की जगह पे. ओके, नाउ उसके बाद हमको वंस अगेन रियलाइज हुआ सर, 10 और 20, 10 इज अ रूट, 20 इज अ चाइल्ड. तो चाइल्ड की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, रूट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. तो इन दोनों को वंस अगेन सेट किया. तो राइट नाउ हियर आई विल हैव एक्चुअली 20 एंड हियर वी विल हैव एक्चुअली 10. सो इज दिस क्लियर गाइस? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं? सर हमें इसमें रूट को ही सेट करना पड़ेगा ना बड़े में, ऐसा है ना? मैक्सिस का मतलब ये है कि रूट पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू. पर सर इसमें वो तो वो कंडीशन वाला नहीं लगेगा कि लेफ्ट में छोटा नहीं, वो बाइनरी सर्च पे देखना पूरा गड़बड़ी चल रहा है. ओके, एक बार ऑब्जर्व करें, पूरे ट्री का सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट रूट पे, पूरे ट्री में सबसे मैक्स एलिमेंट रूट पे, उसके बाद उसका लेफ्ट देखे 45. तो पूरे लेफ्ट चाइल्ड में यहाँ से यहाँ तक पूरा लेफ्ट चाइल्ड उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 45, पूरे राइट चाइल्ड में सबसे बड़ा एलिमेंट 98. ठीक है, अब 45 का लेफ्ट देखिए, 45 के लेफ्ट में तीन बंदे हैं, 12, 35, 44. उसमें सबसे मैक्स एलिमेंट है 44, वो रूट है. ओके, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज नथिंग बट ए मैक्सिस, दिस इज नथिंग बट ए मैक्सिस. अब मुझे क्या चाहिए सर? असेंडिंग ऑर्डर, हमको तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए. तो लास्ट में अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करो तो सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए एज पर योर डेटा? 800, 800 है कहाँ पे? जीरो पोजीशन पे. डू वन थिंग, आप अपने ट्री में, लेट आई जस्ट वन मिनट, मैं इसको कट कर देता हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. ओके, दिस इज माई ट्री. सो वट यू हैव टू डू, आपको अपने ट्री में, अपने ट्री में जीरो पोजिशन एंड जीरो पोजिशन पे कौन था? ऑन द जीरो पोजिशन देयर इज एन 800, जो सबसे लास्ट पोजिशन पे आना चाहिए. तो लास्ट पोजिशन पे 800 रख दो. जीरो पोजिशन पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव मैक्स हिप, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मैक्स हिप था. मैक्स हिप होना मतलब जीरो पोजिशन पे लार्जेस्ट वैल्यू.
तो उसको चाहिए था कहाँ पे, मुझे लास्ट पोजीशन पे चाहिए था, तो जीरो पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन का मैंने स्वेपिंग कर दी, तो माय टास्क इज डन। 800 सब में से मैक्सिमम होना चाहिए जो एक्चुअली सबसे लास्ट पोजीशन पे है। बट नाउ व्हाट हैपेंड सर, बाकी का जो ट्री है 800 को डिलीट कर दो बिकॉज आप उसको अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट कर चुके, इसको भूल जाइए अभी। ओके, वो लास्ट पोजीशन पे आना था, आपने सेट कर दिया, तो योर टास्क इज डन। बट रिमेनिंग जो ट्री है इट इज नॉट ए मैक्सिम, कैसे कैसे मैक्सिम नहीं है कैसे बोल सकते, जस्ट चेक दिस गाइस, यहाँ पे 10 इज अ पेरेंट ऑफ 45, 98। पेरेंट कौन होना चाहिए इन तीनों में, 45, 98, 10, इन तीनों में पेरेंट कौन होना चाहिए, बट ऑब्वियसली 98 मस्ट बी देयर। तो पहले दोनों के 10 के दोनों चाइल्ड को कंपेयर करें, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको पेरेंट बनाए, ओके, और उसको एक्चुअली उसको पेरेंट के साथ रिप्लेस कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, तो 10 का हो जाएगा, 10 विल बी ओवर हियर। बट नाउ वन सेकंड ऑब्जर्व दिस, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 78, 10 का राइट चाइल्ड है 54, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 78 एंड 78 की जगह पे कौन आना चाहिए, मुझे एक बार ट्री पूरा चेक करके देखिए ना, 800 को इग्नोर करें और पूरा ट्री चेक करें, सबसे लाइक रूट पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट, पूरा ट्री चेक करिए, 800 हाईएस्ट नंबर पूरे ट्री में, सेकेंड हाईएस्ट नंबर 98 है, तो वो कहाँ जाना चाहिए सर, 800 से जस्ट पहले, हाँ 800 से जस्ट पहले, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 35 आ जाएगा एंड हियर इट विल बी 98। दो एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट होने को जा रहे हैं। ओके, तो 800 एंड 900 सेट है एक्चुअली, तो बाकी मुझे क्या करना है, इन दोनों का स्वेपिंग कराने के बाद वापस अपने ट्री को मैक्सिस में कन्वर्ट करना है, 35, 45, 78 रूट कौन होगा, 78 और उसके लेफ्ट में 10 चीज, राइट में कौन, 35 राइट में कॉल होगा 35। नाउ 78 इज एक्चुअली लास्ट थर्ड मैक्स नंबर, ओके 78 इज एक्चुअली थर्ड मैक्स नंबर, तो उसका मैं रिप्लेसमेंट करूंगा 12 के साथ, ओके सो हियर आई विल हैव एक्चुअली 78, हियर आई विल हैव 12, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 78 एंड हियर आई विल हैव 12, बट नाउ जस्ट ऑब्जर्व 12, 45 एंड 55, सो यहाँ पे 55 होना चाहिए, ओके सो 12, 45 and 54, so 54 होना चाहिए and 12 will be in the position of 54, 12 will be in the position of 54, but उसका left 10, उसका right 35, so यहाँ 35 and 10, 12 will be in the place of 35, got it? Yes sir. ठीक है, now what is the next? लास्ट के तीन एलिमेंट जो गए थे 12 से स्टार्ट करने, मतलब 54 12 की जगह पे और 12 54 की जगह पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 54, हियर आई विल हैव 12, सो ये मेरे जस्ट राइट डाउन हियर 54 ऊपर आएगा 12 लेने के बाद मुझे रियलाइज होगा दिस इज नॉट ए हिप शॉट, तो उसका लेफ्ट 45 एंड राइट 35, तो हम लोग 45 कंसिडर करेंगे एंड 12 वी विल सेट ओवर हियर, 12 को हम यहाँ रखेंगे। अब जैसे 12 को 45 के लेफ्ट में अरेंज करने की बात करें, तो अगर 44 जैसे ओ सर आई हैव आर वैल्यू कंपेयर टू 12, तो यहाँ 44 आएगा एंड नाउ 12 विल बी फॉरवर्ड टू लेफ्ट ऑफ दी 44। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर उसका लेफ्ट 12 का लेफ्ट एंड राइट देखें, तो दैट इज 78, 90, अब चेक नहीं करना है बिकॉज वहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू अरेंज किया, ओके अब 12 के बाद की चीज चेक नहीं करनी है बिकॉज उसमें ऑलरेडी डेटा अरेंज हो चुका है। Is it clear? Now what is the next? अब हमारी बात आती है 10 and 54. So 10 will be moved to the position of 54. So here I have, sorry, 45, not the 54, that is 45.
ओके सर, 10 एंड 45 का हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो लेट आई जस्ट राइट डाउन 10 हियर. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट गाइस? 10 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 45 है, 44 एंड 35 उसके नेक्स्ट लेवल का, तो हम लोग को रियलाइज होगा यहाँ पे 44 आना चाहिए एंड हियर आई हैव टू सेट 10. बट यहाँ पे अगर 10 सेट करेंगे तो क्या होगा, आप उसका लेफ्ट एंड राइट चेक करें, सो लेफ्ट चेक से 12, राइट से 20, सो यहाँ मेरे पास 20 आएगा. एंड यहाँ हमारे पास जो राइट है, यहाँ पे हमारे पास 20 आएगा, जो राइट है वहां पे क्या सेट हो जाएगा, वी हैव टू सेट 10 हियर. राइट में हमारे पास क्या होगा, 10. एंड देन अब उसके लेफ्ट राइट पे जाना नहीं है, बिकॉज उसके राइट में जो एलिमेंट है वो सबसे मैक्स वैल्यू, वो ऑलरेडी हम अरेंज कर चुके हैं. सो दैट इज दैट. नाउ 54 इज अरेंज्ड, 45 इज अरेंज्ड, बिकॉज लाइक हम लोग का 54 हो गया था, 45 हो गया था, नाउ देयर इज अ 10. तो 10 की जगह क्या आएगा, 44 44. तो 10 की जगह आ गया 44. तो अब हमारे पास ज्यादा एलिमेंट बाकी नहीं रहे, 44 हियर आई विल हैव 10. अब 10 का लेफ्ट 20, राइट 35, सो विल कंसीडर 35. ओके, एंड लेफ्ट में हम रख देंगे 10. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब हम लोग 35 और 12 का इंटरचेंज करेंगे, 35 और 12 का इंटरचेंज करेंगे, सो हियर वी हैव टू सेट 35, हियर वी हैव टू सेट 35 एंड हियर वी हैव टू सेट 12. अब 12 का लेफ्ट 20, 12 का राइट 10, 12 का लेफ्ट 20, 12 का राइट 10, सो व्हाट वी विल डू, यहां पे 20 आ जाएगा एंड हियर वी हैव टू सेट 12. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? 12 का अब लेफ्ट राइट चेक नहीं करेंगे बिकॉज उसके ऑलरेडी डेटा सेट कर चुके हैं. अब क्या करें, 20 को कहाँ सेट करेंगे? एनीवन 20 जगह पे, तो यहाँ पे 20, हियर वी हैव टू सेट ऑन द रूट वी हैव टू सेट 10. ओके, अब 20 का लेफ्ट राइट मुझे चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज ऑलरेडी अरेंज, इट इज ऑलरेडी अरेंज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? माय नेक्स्ट टास्क इज हम लोग 12 और 10 का इंटरचेंज करें, 12 और 10 का इंटरचेंज करेंगे, बट देखो करने की जरूरत ही नहीं, इट इज ऑलरेडी अरेंज. ओके, सो सबसे पहला क्या होगा, 20 यहाँ पे गया, उसका लेफ्ट राइट सब कुछ कर दिया हम लोगों ने, 20 यहाँ पे गया उसका लेफ्ट राइट कर दिया. और अब 12 और 10, तो हमारे पास रूट पे कौन आएगा, रूट पे कौन आएगा, वी विल सेट 12 एंड व्हाट अबाउट राइट, व्हाट अबाउट लेफ्ट, सो हियर वी विल हैव एक्चुअली 10. ओके ना, ये समझ में आ रहा है ना कि लाइक उसको सेट करने के बाद वहां पे हमको चेक करना पड़ता है कि लेफ्ट राइट में कौन सी वैल्यू बढ़ी है. एंड फाइनली व्हाट वी विल डू, लास्टली 12 और 10 को इंटरचेंज करें, 12 और 10 को इंटरचेंज करें. अब क्या करना है गाइस, दिस इज योर डेटा, जस्ट चेक करो, जीरो इंडेक्स वैल्यू पे कौन है, 10 10 4 45 देन 54 78 98 एंड 100. तो अब देखिए पूरा का पूरा डेटा मेरा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर, तो दैट इज हिप शॉट, दिस इज हिप शॉट, बहुत इजी वाला शॉट, कुछ भी नहीं है, थोड़े से इंग्लिश वर्ड लिखने हम लोग,